गाइस, मूवी के पहले ही सीन में हम दो एस्ट्रोनॉट देखते हैं जो कई महीनों से स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे और आज के दिन वो पृथ्वी पर लौट रहे हैं। वे अपनी लैंडिंग प्रोसेस शुरू करते हैं और अचानक उनका लैंडर किसी चीज़ से टकराता है। वे दोनों बाहर की ओर देखते हैं और बहुत घबरा जाते हैं, बिकॉज ये जो कुछ भी था उनका डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था। और अगले ही सीन में एक शटल दिखता है जो एक आइसोलेटेड जगह पर लैंड करता है। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ एक आदमी जो दूर से उन्हें देखता है और भाग कर उनकी हेल्प करने के लिए जाता है और देखता है कि एक एस्ट्रोनॉट बाहर बैठा है। थोड़ा आगे जाकर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि ये एस्ट्रोनॉट मरा हुआ है, उसके हेलमेट के साथ साथ उसका सिर का आधा हिस्सा भी गायब है। वो देखता है कि लैंडर के अंदर से एक और एस्ट्रोनॉट बाहर आ रहा है और वो जिंदा है बट काफ़ी बुरी हालत में है। आंखें काली पड़ चुकी थी और मुंह से ब्लड निकल रहा था। अगले ही सीन में हमें एक यंग डॉक्टर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट तान्या को देखते हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है बट उसकी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्सल है। उसने एक 7 साल की एपिलेप्सी पेशेंट को पानी में डुबोकर उसका ट्रीटमेंट किया था। इस प्रोसेस में उस बच्चे की जान तक जा सकती थी, इसी कारण उस बच्चे की फैमिली ने उस पर केस भी फाइल किया था और उस पर ऐसे कई सारे केस चल रहे हैं जिसके कारण उसका मेडिकल करियर भी ख़त्म हो सकता है। और आज उसकी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग भी है, पर तान्या को अपने काम में कुछ भी गलत नहीं लगता बिकॉज वह सिर्फ ऐसे ही केस हैंडल करती है जिसमें पेशेंट को कन्वर्शन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं किया जा सकता। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लैंग्वेज में अपनी बात बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक आदमी जो काफ़ी देर से उसे नोटिस कर रहा था उसके पास जाता है। दोस्तों, दिखने में तो वो आदमी कोई मिलिट्री ऑफिसर लग रहा था जिसका नाम सिमरा जॉफ है। वो तान्या को एक ऑफर देता है, एक केस पर स्टडी करने के लिए इंसिस्ट करता है और अगर उसे वो ऑफर अच्छा लगे तो वो उससे कंटिन्यू भी कर सकती है और इसके बदले में सिमरा जॉफ उसका सस्पेंशन रोक सकता है। तान्या को ये ऑफर अच्छा लगता है और वो मान जाती है। तान्या सिमरा जॉफ के साथ हेलीकॉप्टर पर चली जाती है। वे लोग एक सीक्रेट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुँचते हैं। जब तक तान्या को अपने पेशेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका था, उसे पता चलता है कि ये वही एस्ट्रोनॉट है जो कुछ दिन पहले ही धरती पर अपने पार्टनर के साथ वापस लौटा है। अगले ही सीन में सिमरा जॉफ तान्या को बताता है कि कॉन्स्टेंटाइन एमिनिशिया का एक पेशेंट है, पर तान्या को इतनी सिक्योरिटी व सीक्रेट रिसर्च के कारण कुछ गलत लगता है और इस इंस्टीट्यूट में पहुंचकर उसका शक और भी गहरा हो जाता है। अंदर जाने पर वो देखती है कि कॉन्स्टेंटाइन एक बुलेट प्रूफ और साउंड प्रूफ चैम्बर में हॉस्टेज बनाया हुआ है और एक डॉक्टर वीगल उससे हिप्नोटाइज करने की बहुत कोशिश कर चुका है पर वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। और ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वीकल एक प्रोफेशनल डॉक्टर है और वो ये काम पहले भी कर चुका है। वीकल फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आ जाता है और इस बार तान्या अंदर जाती है, जिसे देखकर वीकल थोड़ा नाखुश होता है। तान्या अंदर जाकर बहुत कैजुअली कॉन्स्टेंटाइन से एक फ्रेंड की तरह बात करती है और चाय भी ऑफर करती है और उससे पूछती है क्या हुआ था तुम्हारे साथ उस दिन, और कॉन्स्टेंटाइन उसे वही सब बताता है जो उसने व्हीकल को बताया था। वो बताता है कि लैंडिंग के टाइम वो बेहोश हो गया था और उसे कुछ भी याद नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद हार चुका था, इसलिए वो तान्या को उसकी मॉम से बात करने के लिए कहता है कि उनका बेटा ठीक है। उनकी कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म होती है और तान्या बाहर निकलकर सिमरा जॉफ से कहती है कि ये आदमी तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, बस थोड़ा फ्रस्ट्रेट और डिप्रेशन में है। शायद इस एक्सीडेंट के कारण उसकी सेंसिटिविटी लॉस हो चुकी है क्योंकि उसने जो टी ऑफर की थी वो बहुत गर्म थी, जिसका कप होल्ड करना भी कॉन्स्टेंटाइन के लिए बहुत मुश्किल था, पर कॉन्स्टेंटाइन ने बहुत आसानी से उस टी को पी लिया था। बट ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सिमरा जॉफ के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तान्या का काम ख़त्म हो चुका था और नेक्स्ट डे
उसे वापस छोड़ दिया जाएगा, पर आज रात उसे यहीं रुकना पड़ेगा। रात को वो अपने रूम में सो रही थी, तभी अचानक 2:30 के आसपास सिमरा जॉफ उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाता है और उसे जल्दी से रेडी होकर ऑब्जर्वेशन यूनिट में चलने को कहता है। तानिया को यह दिखता है कि कॉन्सेस्टाइन के चैम्बर को अलग से एक चैम्बर के ग्लास के थ्रू कनेक्ट किया गया था। अंदर काफ़ी अंधेरा था और तानिया साइट की स्क्रीन पर देखती है कि कॉन्सेस्टाइन के शरीर पर काफ़ी बदलाव आने लगे हैं और वो बेड से नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके साथ ही एक क्रिएचर उसके मुंह से बाहर निकल रहा होता है और कॉन्सेस्टाइन बेहोश हो चुका था और जीव अपने असली आकार व रूप में आ रहा था। सिमरा जॉफ तानिया को दूसरे ग्लास चैम्बर में जाने को कहता है जो कॉन्सेस्टाइन के चैम्बर से कनेक्ट किया हुआ था। तानिया अंदर जाती है और उस जीव को देखती है और अचानक से वो जीव तानिया पर हमला कर देता है, पर ग्लास की वजह से वो बच जाती है। वो बहुत डर चुकी होती है और चैम्बर से बाहर निकलती है। सिमरा जॉफ तानिया को बताता है कि ये जीव कॉन्सेस्टाइन के साथ स्पेस से आया है और उसी के अंदर रहता है और अब से तानिया को उस जीव को कॉन्सेस्टाइन से अलग करना होगा। तानिया मान जाती है और सिमरा जॉफ से लैंडिंग के बाद की हर एक इन्फॉर्मेशन व फुटेज और रिपोर्ट उसे चाहिए थी, उसे सब कुछ दे दिया जाता है। उन सब पर स्टडी करने के बाद तानिया को लगता है कि यह जीव एक पैरासाइट है जो कॉन्सेस्टाइन की बॉडी को एक होस्ट की तरह यूज़ करता है। वो जीव मैक्सिमम टाइम कॉन्सेस्टाइन के स्टमक में रहता है और उसका साइज उस समय 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है और जब वो बाहर निकलता है उसकी ओर ज़्यादा ऑक्सीजन के कारण उसका साइज 1 मीटर के लगभग बढ़ जाता है। ये जीव डेली 2:30 to 3 AM के बीच उसके शरीर से बाहर आता है और वैसे ही उसके अंदर वापस चला जाता है। इस पूरे टाइम कॉन्सेस्टाइन बेहोश रहता है और उसे ये भी पता नहीं होता कि कोई जीव उसके अंदर रह रहा है। तानिया को पता चलता है कि व्हीकल ने उस जीव को कॉन्सेस्टाइन से अलग करने की कोशिश की थी, पर शायद इस जीव का बायोलॉजिकल कनेक्शन कॉन्सेस्टाइन के साथ था, इसलिए जब उस जीव को अलग किया गया तो कॉन्सेस्टाइन की हालत काफ़ी बिगड़ने लगी थी। वो लिटरली तड़प रहा था और जब वो जीव उसके अंदर रहता है तो कॉन्सेस्टाइन काफ़ी फिट और हेल्थी दिखता है। तानिया को ये भी पता चलता है कि ये पैरासाइट वही खाता है जो कॉन्सेस्टाइन खाता है, पर क्रिया करने के लिए वो सिमरा जॉफ की मदद से कॉन्सेस्टाइन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करती है। उसे पता चलता है कि कॉन्सेस्टाइन का एक बेटा है, पर उसने उसकी माँ से शादी नहीं की थी और उसकी माँ भी अब जिंदा नहीं है। अगले ही दिन तानिया कॉन्सेस्टाइन के बच्चे के बारे में उससे पूछती है और उससे ये भी बताती है कि लोग ये समझते हैं कि वो पागल हो चुका है और उसके साथी को भी उसी ने मारा है। ये बात सुनकर कॉन्सेस्टाइन काफ़ी नाराज़ हो जाता है और यही तानिया चाहती थी। तानिया सिमरा जॉफ से ये भी कहती है कि उसे कॉन्सेस्टाइन को डे टाइम में बाहर निकलकर नॉर्मल लाइफ भी जीने देना चाहिए, जिससे उसे और ज़्यादा एग्जामिंग करने में हेल्प मिलेगी। सिमरा जॉफ इस बात को भी मान जाता है। नेक्स्ट डे कॉन्सेस्टाइन को एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर एक टीवी भी था। कॉन्सेस्टाइन काफ़ी दिनों से बाहर की दुनिया से अलग था, तो वो न्यूज़ के ज़रिए बाहर की दुनिया का हाल देखने के लिए टीवी ऑन करता है कि बाहर के लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें लगता है कि कॉन्सेस्टाइन एक रिहैब सेंटर में कुछ दिनों के लिए है, पर रियलिटी में तो वो एक सीक्रेट इंस्टीट्यूट में फंसा हुआ है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और तभी बाहर से कुछ फुटस्टेप सुनाई देते कि तानिया उसके रूम में आई है और उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए उससे सॉरी बोलती है। कॉन्सेस्टाइन उससे बताता है कि उससे उसके बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्पेस में जाने से 1 हफ्ते पहले ही उसे उस बच्चे के बारे में और उसकी माँ के बारे में पता चला था। उसने सोचा कि वो उनसे वापस लौटने पर मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पर फंस गया है। ये सब सुनकर उन दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है और उसी रात जब वो जीप बाहर निकलता है तो तानिया फिर से उसके सामने जाती है
और इस बार वो नोटिस करती है कि ये जीव उसे इमिटेट कर रहा है। इसी चैम्बर में एक खिलौना था जो कॉन्सिस्टाइन का फेवरेट था। तान्या यही खिलौना उस जीप को दिखाती है और शायद इसी के कारण वो जीप भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव फील कर रहा था। वो उस ग्लास को हटाने के लिए कहती है, उसे एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है। वो उस चैम्बर में एंटर करती है उस खिलौने के साथ। जैसे ही वो उस खिलौने को उस जीप के पास छोड़ती है, वो जीप उस चीज़ से ऐसे चिपकने लगता है जैसे वो उसका भी फेवरेट हो। इसी का फ़ायदा उठाकर तान्या उस जीप को अपने हाथों से छूने की कोशिश करती है, मगर वो फिसल कर गिर जाती है और आवाज़ से उस जीप का ध्यान भी उसकी तरफ आ जाता है और वह तान्या पर फिर से हमला कर देता है। अब इस बार उन दोनों के बीच कोई ग्लास तो था नहीं, तो तान्या इंजर्ड हो जाती है और बेहोश हो जाती है। सिमरा टॉप जल्दी से लाइट्स ऑन कर देता है जिससे वो जीव कंफ्यूज हो जाता है। उसी समय के बीच तान्या को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन आगे की रिसर्च के लिए कॉन्सिस्टाइन को मास्क को ले जाना जरूरी है। ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है, तान्या को कोई अलग रास्ता ढूंढना होगा। वो फिर से स्टडी करने लगती है और इस बार उसे कुछ फुटेज मिसिंग लगता है। वो रिकल से पूछती है बट वो उसे कुछ कहना नहीं चाहता, मगर उसे ये भी पता है कि वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा। रिकल राजी हो जाता है और उसे गाड़ी में लेकर उसी इंस्टीट्यूट के एक हिस्से में जाता है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वो तान्या को एक बायनोकुलर्स देता है और उसे गाड़ी में छुपने के लिए कहता है। तान्या देखती है कि ये जगह एक केज जैसी है और प्रिजनर को बांधकर उसी केज के अंदर भेजा जाता है। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तान्या देखती है कि एक दरवाजे से वही क्रिएचर अंदर आता है, केज की तरफ जाता है और एक ही झटके में उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है। गाड़ी में लौटने के बाद विकेल तान्या से पूरी सच्चाई शेयर करता है। सबको सुनकर तान्या बहुत डर चुकी थी। उसे जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो ये लोग हर रोज़ एक जिंदा इंसान का बलिदान देंगे। वो बहुत सोचती है और अगली सुबह कॉन्सिस्टाइन से मिलने जाती है। मॉर्निंग वॉक के बहाने वो उसकी सच्चाई के बारे में उसे इन्फॉर्म करती है, मगर कॉन्सिस्टाइन बिल्कुल भी रिएक्शन लेस था। तान्या को रात में उससे मिलने को कहता है। यहाँ पर रिवील होता है कि कॉन्सिस्टाइन को सब कुछ पहले से पता था। Not only that, उसे consciously वही सब कुछ दिखता है, वही सब फील होता है जो उस क्रिएचर को दिखता और फील होता है। तान्या से उसका साथ देने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अगर सिमरा डॉफ को पता चला कि वो खुद ही एक क्रिएचर है तो वो कभी भी उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। तान्या इन सब बातों से बहुत नाराज़ हो जाती, वो यहाँ से बिल्कुल निकल जाती, मगर अपने रूम में जाने से पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बार सिमरा जॉफ खुद उसे लेकर जाता है उसी केज के सामने सच्चाई को और भी करीब से दिखाने। इस बार एक साधु प्रेजेंस को यहाँ लाया गया है। हर बार की तरह वो जीव भी धीरे धीरे अंदर जाता है, मगर इस बार वो हमला करने ही वाला था कि तान्या अचानक से उस जीव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो जीव उसे डराने की बहुत कोशिश करता है, मगर तान्या बिल्कुल भी नहीं डरती। वो वही गाना गाना शुरू कर देती है जो कॉन्सिस्टाइन को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, जिससे वो क्रिएचर कमज़ोर होने लगता है और तान्या कॉन्सिस्टाइन से मिलने जाती है और उसे अपना प्लान शेयर करती है। वो कॉन्सिस्टाइन को लेकर यहाँ से निकल जाएगी और रास्ते में उसे केमिकल इंजर्ड करे। जैसे ही वो जीव बाहर आएगा, तान्या और कॉन्सिस्टाइन वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि वो जीव बिना किसी शरीर के सूरज की रोशनी में एक घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि तान्या और कॉन्सिस्टाइन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी उस जीव ने उस दिन तान्या को नहीं मारा। इसी बीच श्रीकल हायर अथॉरिटीज़ को कॉल करके वहाँ होने वाले इलीगल एक्टिविटीज़ और रिसर्च की इंफॉर्मेशन दे देता है। ये सब सिमरा जॉफ को पता चलता है और वो रिकल का खून कर देता है और तान्या का खून करने के लिए कहता है, जबकि उसे कॉन्सिस्टाइन जिंदा चाहिए। और वो गार्ड्स उन दोनों को हॉस्टेज बना लेते हैं और तान्या को बचाने के लिए कॉन्सिस्टाइन उसे इंजेक्ट कर लेता है और वो जीप बाहर निकलने लगता है और वो बाहर निकलकर सभी लोगों को मारने लगता है और तान्या और कॉन्सिस्टाइन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। जैसे जैसे वो जीप उन सोल्जर्स की गोलियों से घायल होने लगता है,
तो कॉन्सिस्टेंट की हालत भी खराब होने लगती है। उधर इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं कि सिमरा डॉफ का सामना होता है उस क्रिएचर से, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था, इसलिए सिमरा डॉफ उस क्रिएचर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। और उस जीप को लेकर सिमरा डॉफ तान्या का पीछा करने लगता है, और अब सिमरा डॉफ और तान्या आमने सामने होते हैं। वो तान्या को मारने की कोशिश करता है, और ये सब देखकर कॉन्सिस्टेंट बहुत गुस्सा हो जाता है, जिससे उसके गुस्सा होने की वजह से वो जीप फिर से ज़िंदा होने लग जाता है, और वो क्रिएचर सिमरा डॉफ को मार देता है, लेकिन वो तान्या को कुछ भी नहीं करता। कॉन्सिस्टेंट ये समझ चुका था कि वो उस जीप के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने आप को शूट कर लेता है और अपनी जान दे देता है।